अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद रजा और टेक्निकल वर्ल्ड हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो वीडियोज़ होते हैं वो बड़ी साइज़ के होते हैं या इसके अलावा अलग फॉर्मेटिंग होती है कि जिसकी वजह से हमारे मोबाइल वगैरह में नहीं चल पाते हैं, तो उसके लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो उस कन्वर्टिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम ऐसे एप्लीकेशन के बारे में आपको बताएंगे कि आपको किसी कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ऐसे खास अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर आप VLC प्लेयर जो है, VLC प्लेयर हर कोई यूज़ करता है अपने लैपटॉप और अपने PC के अंदर, तो VLC प्लेयर जो है उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियो को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप MP3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो MP3 में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सिंपल है, आप अपना VLC प्लेयर खोल लीजिए और इसके अंदर आप यहाँ कोने में चले जाइए मीडिया के अंदर। जैसे ही आप मीडिया के अंदर जाएंगे तो आपके सामने ये मेनू खुल जाएगा जिसमें आपको यहाँ कन्वर्ट एंड सेव का ऑप्शन मिलेगा। आप कन्वर्ट और सेव के ऑप्शन को दबाकर यहाँ से भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल R पर क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल R क्लिक करने से भी ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ से कन्वर्ट एंड सेव को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप डिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं, नेटवर्क का भी ऑप्शन है, कैप्चर डिवाइस का भी ऑप्शन है और फाइल्स का भी है। तो आपको करना क्या है कि जिस वीडियो को आपको कन्वर्ट करना है उस वीडियो को यहाँ से आप ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका डेस्कटॉप का मेनू खुल जाएगा। आप अपनी फाइल को तलाश कर लीजिए जिस फाइल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस फाइल को, तो हम यहाँ से ये फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये फाइल यहाँ पर शो होने लगी है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ जो कन्वर्ट एंड सेव लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेनू आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोर्स दिया हुआ है, हमने जो फाइल सिलेक्ट की है वो ये रही। और इसके अलावा आप जो भी काम जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कन्वर्ट डिस्प्ले हो आपके सामने, जो भी रैंडम होगा या जो भी कन्वर्टिंग होगा वीडियो वो डिस्प्ले हो, तो आप यहाँ टिक कर दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह की फॉर्मेटिंग चाहिए। जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए कि बहुत सारी वीडियोज़ की भी दी गई हैं और MP3 भी दी गई है, बहुत सारी हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो की क्लिप को MP3 में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप अपने हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग चूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर जो है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ ब्राउज़र में क्लिक करके आपको फाइल कहाँ पर से हो वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी फाइल कन्वर्ट होकर कहाँ से हो उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो हम जैसे ही ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और हम उसी फोल्डर में चलिए कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि टेस्ट, और सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फाइल का यहाँ पर सोर्सेस भी आ गया और कहाँ पर सेव होगी उसका भी आपको फोल्डर का सोर्सेस आ गया। अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट आपकी जो ये फाइल है वीडियो फाइल वो MP3 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमने जैसे स्टार्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर चलना शुरू हो गया, अब यहाँ पर कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये कितनी फास्ट और जल्दी से कन्वर्ट हो रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा कोई भी किसी भी तरह का एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। हमको कभी कभी ही किसी वीडियो को कन्वर्ट करना पड़ता है तो किसी कन्वर्टर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप VLC अगर यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा आप आसानी के साथ MP3, इसके अलावा MP4 और बहुत सारी फॉर्मेटिंग के अंदर आप अपने वीडियो को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये हमारा वीडियो जो है वो MP3 में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। हम नोटिफाई जो फोल्डर है उसमें चले जाते हैं। ये हमारा असल वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद रजा, और हमने इसका जो टेस्ट करके नाम रखा था और MP3 में कन्वर्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद रजा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल के जवाब देने की। और हमारे दूसरे नए वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बने रहें हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ।